जय श्री राम दोस्तों, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में कई ऐसे क्रांतिकारी पुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान पुरुषों में सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह का नाम भी एक है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने धर्म को बचाने के खातिर अपनी बलि दे दी। 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को माता नानकी और सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह के यहाँ हुआ था। बचपन में गुरु तेग बहादुर का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर हरगोविंद सिंह साहब के सबसे छोटे बेटे थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भाइयों से ली थी। गुरु तेग बहादुर के साहस को लेकर बताया जाता है, एक बार वह अपने पिता गुरु हरगोविंद सिंह के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद किरतपुर जा रहे थे। तब उनकी उम्र महज 13 साल की थी। फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों की फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध में पिता हरगोविंद सिंह साहब के साथ गुरु तेग ने भी मुगलों से दो दो हाथ किए। छोटी सी उम्र में तेग के साहस और जज्बा ने उन्हें त्यागमल से तेग बहादुर बना दिया। मार्च 1632 में गुरु तेग बहादुर की शादी जालंधर के नजदीक करतारपुर में बीवी गुजरी से हुई। इसके बाद वे अमृतसर के पास बकाला में रहने लगे। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी के देहांत के बाद मार्च 1665 में गुरु तेग बहादुर साहब अमृतसर के गुरु की गद्दी पर बैठे और सिखों के 9वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर जी ने कई वर्ष बाबा बकाला नगर में घोर तपस्या की। गुरु तेग बहादुर ने धर्म के प्रचार प्रसार व लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया और वे सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने अपनी यात्राओं के बीच 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहब में पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ जो सिखों के 10वें गुरु बने। तेग बहादुर के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब थे। भारत में औरंगजेब की छवि कट्टर बादशाह के रूप में थी। सिख इतिहास की किताब में दावा किया जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कश्मीरी पंडित इससे सबसे ज्यादा शिकार हुए। कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री आनंदपुर साहब में श्री गुरु तेग बहादुर साहब के शरण में मदद के लिए पहुंचा। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडित को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया और हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का खुले स्वर में विरोध किया। साथ ही कश्मीरी पंडितों की हिफाजत का जिम्मा अपने सर ले लिया। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया। उसने इसे गुरु तेग बहादुर की खुली चुनौती मान ली। इतिहासकार बताते हैं कि 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया और 3-4 महीने तक कैद में रखकर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सिख इतिहास किताब के अनुसार गुरु तेग बहादुर को मारने से पहले औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि कलमा पढ़कर मुसलमान बनने की, दूसरी शर्त थी चमत्कार दिखाने की, या फिर तीसरी शर्त थी मौत को स्वीकार करने की। गुरु तेग बहादुर ने धर्म छोड़ने और चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपना सर कलम करवा सकते हैं पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे। 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से गुरु साहब का शीश धड़ से अलग कर दिया। लाल किले के सामने आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहब स्थित है। तो ये रही गुरु तेग बहादुर की बहादुरी, उनकी त्याग की कहानी। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।